ये किला हो, देखिए पूरा है किला। 200 साल पुरानी कारें होंगी ये शायद। तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का हमारा ब्लॉग है अपने यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे रामपुर में ही मोहम्मद अली जोहर यूनिवर्सिटी है, जो कि आजम खान है इसका उद्घाटन करके मतलब बनवाया है इसी को उन्होंने पूरा है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, रामपुर ज़िले की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यही है। इसमें जो है हमारे बहुत ही खूबसूरत जगह हैं, हम दिखाएंगे। जो कि हम इसमें पढ़ते उड़ते तो नहीं है, अपना जो ये माजिद है, अपने साथ माजिद है, ये यहाँ पे इन्हें एडमिशन लिया था, ये यहाँ पे पढ़ता है, तो हम इसको साथ में लाएँ क्योंकि ये जगहें बताएगा, हमें दिखाएगा। हमने भी नहीं देखी, हम भी नहीं आए इसके अंदर आज तक, और अपने इरफान भाई साथ में ये भी नहीं आए, हम दोनों न्यू हैं, लेकिन ये जो है यहाँ पर आता रहता है, इसका एडमिशन है यहाँ पर, ये पढ़ता है, ये एडमिशन भी कैंसिल करा दिया, लो इन्हें एडमिशन भी कैंसिल करा दिया, कह दिया ये भाई भाई समझाओ भाई जी से। तो गाइस गार्ड निकलने नहीं दे रहा था अंदर से, वो बाहर से अंदर को हाँ, भाई ने निकलवाया, भाई निकलवाया है, गार्ड जो है अंदर को नहीं भरन देता है, ऐसे मना करते हैं ऐसा आने को। ठीक है तो चलिए रिक्शे लेके बनाते हैं, दिखाते हैं हम हमको, लेट्स गेट स्टार्ट नाउ, चले बाय। तो गाइस ये है यहाँ की कैंटीन, जो कि ये बंद पड़ी है इस टाइम पे, और गाइस ये आ गई है हमारे आजम खान की तोप, जो कि आजम खान ने इसको बनवाया था, तोप किसे उड़ाने का इरादा सब बड़ा था। और ये जो है देखिए टैंक है, क्या बना हुआ है, ये क्या बना हुआ टैंक है, क्या ये टैंक है, और इसके अंदर कुछ ग्राउंड भी बने हुए हैं रहने के लिए, बहुत ही शानदार नज़ारा है गाइस, आप देखते रहिए गाइस, और जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। बहुत ही रिक्शे लेकर हम अंदर को आए हैं आपको दिखाने के लिए, ये देखिए तो गाइस ये देखिए यहाँ भी कुछ शूट चल रहा है, व्लॉगिंग हो रही है। हेलो गाइस, ये जो है आदम खान की यूनिवर्सिटी है, और इसमें ये हेलीकॉप्टर उतरने की जगह है। तो गाइस अभी हम आपको यहाँ पे भी लेके जाएंगे, ताजमहल टाइप का लग रहा है ये, कुछ पता नहीं मस्जिद है क्या है, हमें नहीं पता या क्या चीज़ है, शायद क्या मस्जिद लग रही है मुझे, तो मीनार वगैरह है। तो गाइस वहाँ पे भी हम जाके दिखाएंगे कितना शानदार लग रहा है, जैसे ताजमहल लग रहा हो देखने में। तो गाइस ये भी आपको दिखाएंगे, ये हॉस्टल है, ये सब रेड कलर का। तो गाइस चलो चलते हैं एंड दिखाते हैं यहाँ पे जो कुछ भी है सब आपको दिखाएंगे, अभी हम वहाँ पे चलते हैं, तो चलें। हमने बाइक यहाँ पे लगा दी है और हम जाएंगे पैदल, क्योंकि बाइक का कोई काम नहीं है, और हम यहाँ से चल रहे हैं, वो गार्ड खड़े हैं वहाँ पे भाई साहब डंडा लेके, पता नहीं मारेंगे क्या, तो चलो। तो गाइस ये देखिए कितना ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, कितने शानदार हॉस्टल है, कितनी शानदार जगह है, और ये देखिए ये मस्जिद है यहाँ पे, जो है अभी छुट्टी हो गई ना, मस्जिद में भी ज़रा आदमी नहीं, नमाज वमाज नहीं पढ़ना शायद, यार क्या मस्जिद है, क्या कर दिया यार, बंद हो गई, हाँ बंद हो गई ये मस्जिद शायद, दूसरी आगे बनी हुई है बड़ी। ये देखिए बहुत ही शानदार नज़ारा है, वो गार्ड साहब उधर से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं इधर अंदर जाने की अनुमति नहीं है, उन्होंने हमें आवाज़ दे दिया है। तो अब हम जो है चलते हैं, अभी तो ये थोड़ी सी जगह दिखाई है, बहुत ही शानदार जगह थी, इधर चल रहे हैं, अंकल जी कह रहे हैं उधर फैमिली रूम है, उधर जाना मना है, अनुमति नहीं है, तो हम जो है वहाँ से लौट के आ गए, आपको नज़ारा दिखाई दिया हूँ वहाँ पे, उधर फैमिली रूम सब रहते हैं उधर, फैक्चुअली ऑफ लाव। तो ये माजिद को जो है प्यास लग गई है, यहाँ पर पानी निकल रहा है, तो कह रहा है पानी पीता हूँ, इसे प्यास लग चुकी है गाइस, ये देखिए गर्म आ रहा, तो मत पी, ये अपने इरफान भाई गाइस, खुला मज़ा आ रहा है, क्या करें गाइस, कोई जगह हमें नहीं मिल रही थी तो हम यहाँ पे आ गए, ये भी काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत शानदार है, अभी दिखाएंगे गाइस, अभी थोड़ा बहुत ही दिखाया हम आपको, अभी पूरा नज़ारा दिखाएंगे इसका, चलिए तो चलिए चलते हैं अब दूसरी जगह, यही यूनिवर्सिटी में कोई दूसरा ग्राउंड दिखाते हैं हम आपको। गाइस ये वाला गेट जो है उधर जिधर से हम आए थे उस साइड से तो स्टार्ट था, अब ये साइड जो है यहाँ पर एंड है, यहाँ पर जो है ये गेट बंद है, अभी इधर चालू नहीं करा है, छुट्टी चल रही है, तो ये लास्ट गेट है। गाइस अब हम जा रहे हैं न्यू प्लेस पे, इधर को हमने गाड़ी काट दी है, वहाँ पे जाते हैं, उधर का दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है उधर, जो चीज़ भी है। तो
गाइस अब हम आ चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम पार्क में। ये आ गई है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पार्क। अब हम आपको ये पार्क दिखाएंगे जो भी है यहाँ पे। ये देखिए रामपुर गाइस, ये मना कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ की वीडियो नहीं बना सकते। और गाइस ये मैच का मैदान, यहाँ पे जो है लोग क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पे जो सब पढ़ते हैं, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है। तो पक्का बनाया जा रहा है, पहले कच्चा था, पहले कच्चा था, पक्का बनाया जा रहा है, इसमें काम चल रहा है। देखिए इसमें जो है काम चल रहा है इसका, यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं सब। और यहाँ पे गाइस ये है वॉलीबॉल का ग्राउंड, यहाँ पे जो है वहाँ मैच का था क्रिकेट, और ये वॉलीबॉल का है, लेकिन ये जो है बहुत ही लेट लग चुकी है इसकी भी, अभी इसमें भी काम चलेगा। तो गाइस ये है मदर टेरेसा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। भाई इधर जो है देखिए, ये अभी इधर काम चल रहा है, इधर अभी जो रेडी नहीं हुई है, ये सब चीज़ जो है अभी तैयार हो रही है, बन रही है, पूरी रेडी नहीं हुई है, ये देखिए। और इधर भी अभी पूरा तैयार हुआ, इधर भी काम चल रहा है अभी जो है, मतलब ये पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी फिक्स नहीं हुई है, इसमें अभी काम चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। चलो चलते हैं। तो गाइस ये है अपने आजम खान की तोप, पता ना किस उड़ाएंगे इससे। तो गाइस ये है मस्जिद यहाँ की, जो यहाँ पे सब स्टाफ वगैरह सब नमाज यहीं पे पढ़ते हैं, जितने भी स्टूडेंट वगैरह सब हैं, और हम भी यहीं पे नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि आज जो है जुमा है, जुमे का टाइम होने वाला है, हम जो है घर से लेट निकले थे, तो नमाज़ का टाइम होने वाला है, अभी हुआ तो नहीं है फिलहाल, अभी आधा घंटा अजान होने में, तो जब तक हम पूरी वीडियो शूट करते हैं थोड़ी बहुत, और उसके बाद देखते हैं। ये देखिए मस्जिद, किला वो देखिए, पूरा किला टाइप। गाइस इसमें जो है बहुत ही पुराने जमाने की कार पैक हो चुकी है इसके अंदर, इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ये देखिए चार कारें खड़ी हैं, बहुत ही पुराने जमाने की कार है, ये बहुत ही ओल्ड मॉडल, मतलब होंगी परदादा के जमाने के, हमारे 1950 के आसपास की होंगी। विदेशी कार है, विदेशी पुराने जमाने की। ये देखिए सब कम से कम 100-200 साल पुरानी कार होंगी ये शायद। भाई हमें इसके अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, कहीं पे भी पता नहीं क्या नाटक है, बहुत दिमाग खराब हो रहा है, तो इसे बार बार से बस उठ रहा है। भाई आ चुकी है मोमबत्ती, ये जलती है रात में, नहीं जलती है भाई, आग लगा में है तो बहुत बड़ी मोमबत्ती सिर कटेगा। अभी भी ये लंबी सिरगट होती, दुबई की सिरगट, सिरगट ये लंबा सिरगट हमारे यहाँ मिलती। इसका नाम बताइए, ये क्या चीज़ है? कुछ पता नहीं क्या है, लो इन्हें कुछ पता नहीं, नाम बता रहा है, कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। भाई देख सकते हैं बहुत मोटे मोटे लोहो से बना हुआ है ये, इसके ऊपर शायद टीन सेट डलने से बाकी रह गया था, और नीचे भी हॉल में कुछ काम वगैरह होता, साफ सफाई होती इसकी, कुछ भी काम होता, पता नहीं शायद कुछ हो उसमें, गाड़ी वाड़ी का पार्किंग है क्या है वो हमें नहीं पता, मगर बहुत ज़्यादा लोहा लगा हुआ है इसमें। इसका अंदर हम जा नहीं सकते, ये बंद पड़ा है, इसके अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं है, जाने के लिए तो कहीं भी अलाउड नहीं है, सभी जगह बंद पड़ा है, क्या करें, आपको बाहर से ही दिखा देते हैं। ये शायद श्री अखिलेश यादव और श्री मोहम्मद आजम खान, ये इनका वह बोर्ड लगा हुआ है। तो भाई यहाँ पे नदीम भाई रील वगैरह बना रहे हैं, इनको ये जगह पे, ये जगह अच्छी लग रही है रील बनाने के लिए। भाई यहाँ पर ये दोनों रील बना रहे हैं, हम ब्लॉग बनाने के लिए आए थे, मगर इन्होंने बिल्कुल भी ब्लॉग में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गाइज, और ये रील बना रहे हैं, बस खाली रील में अपना वो है, इनका फोकस है। तो गाइस मेरे पीछे जो बिल्डिंग है कितनी शानदार लग रही है, आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लग रही है, यहाँ पर हमने रील ही बनाई और फोटो शूट भी किया, अच्छा लग रहा है। कभी आप भी आएँ यूनिवर्सिटी तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत शानदार हो रहा है। हम जा रहे हैं घर, ये आ गया है मेन गेट, अब हम निकल रहे हैं घर यहाँ से, जहाँ से अंदर आए थे अभी, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। तो ये गाइस आज तक का ब्लॉग यहीं तक था, यूनिवर्सिटी का हमने आपको पूरा नज़ारा दिखा दिया है, अंदर तक का जो भी कुछ था इसका सब कुछ दिखा दिया है, अब जो है मेन गेट से बाहर आ चुके हैं, हम जा रहे हैं घर। तो बस आज तक का ब्लॉग यहीं था, इरफान भाई अपने ये हैं और माजिद अपना वो बैठा है, तो बस यार लाइक करो, फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। तो ये भाई जा रहे हैं बाहर, हमारा ब्लॉग कम्प्लीट हो चुका है, हम मेन गेट से बाहर निकल चुके हैं, ये अपना माजिद और ये अपने इरफान भाई चला रहे हैं, तो बस गाइस लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। Bye!
Eastwood's light.